हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूंगी और बहुत ही डिफरेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि ना ही ये कुकिंग का है, ना ही ये DIY का है, ना ही ये शॉपिंग हॉल है, ये और भी ज़्यादा डिफरेंट है। आज का वीडियो होगा गार्डनिंग से रिलेटेड और इस वीडियो के मैं 3 पार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर शेयर करूंगी तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। गार्डनिंग से रिलेटेड हमें क्या क्या चाहिए है और कम बजट में आप छोटे स्पेस में गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं गार्डन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं हमने लगाया है रोज़ और ये खिल के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का है ये रोज़। तुलसी का पौधा, मोगरा, इसमें भी थोड़े थोड़े फूल आए हैं, और पाम का पौधा। पाम के एक्चुअली 2 पौधे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और पाम वास्तु के उससे देखा जाए तो बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है, ऐसा हमने सुना है, और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये है वाइट रोज़ और काफ़ी अच्छे रोज़ इसमें आए भी हैं। और ये है करी पत्ता और इसके साइड में पाम का दूसरा पौधा। करी पत्ते के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ही ज़्यादा हैं और क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में, और इसे मीठा नीम और करी पत्ता भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे करी लीफ बोलते हैं, और संस्कृत में इसे कृष्णा निम्बा बोलते हैं। और बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा हैं, वेट लॉस के लिए, डायबिटिक लोगों के लिए, लीवर को हेल्दी रखने के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, हमारे आईज़ के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हमारे किचन में इसका यूज़ होता ही है, करी लीव्स का। तो नॉर्मली हम सभी का ड्रीम होता है जैसे कि घर में एक छोटा सा गार्डन बनाएं, तो आपके पास स्पेस छोटा है या बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जितना स्पेस था हमने उसके अकॉर्डिंग क्रिएट किया है, क्योंकि आजकल इंडिपेंडेंट हाउसेज में पहले की तरह जैसे इंडिपेंडेंट हाउसेज में रहते थे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी प्राइवेट सेक्टर की जॉब की वजह से हमको बार बार मूव होना पड़ता है। मोस्टली फ्लैट कल्चर ही है जिसमें आपको हार्डली 1 or 2 बालकनीज का ऑप्शन ही मिलता है, तो जो भी क्रिएट करना है आपको उसमें ही करना है, स्पेस के अकॉर्डिंग करना है। तो हम लोग भी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि एक छोटा सा गार्डन बनाएं, मिनी गार्डन, मतलब जिसमें हम कुछ कुछ प्लांट्स लगाएं जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमने इसे कई रिलेटेड कई सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे थे कि उनमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बट वो वीडियोज़ देखना इतना वर्क नहीं किया। और मोस्टली लोग जो बताते हैं लाइक कंपोस्ट बनाना पड़ता है, फिर उसको बनाने में 40 डेज़ लगते हैं, और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, और टेरेस पे 7-8 आवर्स की सनलाइट, एंड बार बार मिट्टी चेंज करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं हमारे लिए, बिकॉज़ ना ही हमारे पास टेरेस है और ना ही इतना स्पेस है और ना ही इतना टाइम है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कंपोस्ट बनाना एंड ऑल वो सारी चीज़ें। तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमने एक छोटी सी स्टार्टिंग की है, छोटी सी शुरुआत की है, गार्डन बनाया है अपनी बालकनी में, और इसमें हमने कुछ मेन प्लांट्स ही लगाए हैं जो आपके घर में भी काम आएंगे। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं लगेगा, बहुत कम कॉस्ट में आपको ये इस तरीके का गार्डन आप ईजिली बना सकते हैं। तो ये था गार्डन का फर्स्ट वीडियो, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये हमने जो गार्डन क्रिएट किया है इसकी कितनी कॉस्ट पड़ी है, और गार्डन के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक मिट्टी, खाद एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें, और बहुत ही रीज़नेबल रेट में आप ये गार्डन कैसे बना सकते हैं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी सेकेंड पार्ट में। तो आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके आपका फीडबैक दीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट मी, मैं सभी को आंसर करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।
थैंक यू सो मच, तब तक देखते रहिए रुचिज किचन एंड क्रिएटिविटी। थैंक यू।